पठानकोट के मॉडल टाउन में स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल बना हुआ है, जहां पर स्पेशल बच्चों को पढ़ने के लिए अभिभावक लेकर आते हैं। यह पूरा दिन बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और अपने जैसे ही दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं। इनमें से किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, कोई सुन नहीं सकता और कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है। परंतु अब ना हो तो इनके पास परमानेंट टीचर ही नहीं है, कोई केयर टेकर और कोई अब इनका मिड डे मील जो इनको मिलता है वो भी बंद हो चुका है। सरकारी अफसर कहते हैं कि इनको इसलिए मिड डे मील नहीं मिल सकता क्योंकि इस स्कूल के रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए सरकारी बिल्डिंग जरूर दी जाएगी। इस बारे असं सरकार कह सकते हैं, लड़ सकते हैं कि दूसरे बच्चों वाग जो आई ई डी पढ़ते हुए उन्होंने मिलता तो उस आधार पर उन्होंने मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित नहीं है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी जी है वो पहला की देखभाल करती सी, हूँ ही मेरा ख्याल करते पे। पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, जीवे पंजाब टीवी।